नहीं चला 72,000 भारी पड़ा चौकीदार, मोदी की ऐतिहासिक जीत। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को प्रचंड विजय मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजमेर की पंचशील स्टीफन चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा की जीत पर पंचशील स्टीफन चौराहे पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी वार्ड 58 के पार्षद प्रकाश मेहरा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाए, जमकर मोदी मोदी के नारे लगा के एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज देश भर में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उसके तहत एनडीए को एक बार स्पष्ट बहुमत मिला है। राजस्थान में भी 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है और अधिकांश प्रत्याशियों ने लाखों मतों से जो कांग्रेस प्रत्याशियों को हरा करके जो अपना परचम फहराया, ये मोदी जी के राष्ट्रवाद की जीत है। मोदी जी ने जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत नेता के रूप में उभरे, ये उस पर मोहर है। ये जिस प्रकार से चाय बेचने वाले से लेकर के और चौकीदार बनकर के देश के गरीबों की जो सेवा की है, जन कल्याण की जो योजना लागू की है, उन पर जनता की मोहर है। और साथ में पिछले दिनों जिस प्रकार के अशोक गहलोत की सरकार ने 5 महीने का शासन किया, रेप की घटनाएं बढ़ी, यहाँ तक कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, उसका परिणाम था आज उनका लड़का उन्हीं की विधानसभा में 20,000 से अधिक मतों से पीछे रहा है। राहुल गांधी स्वयं हारे हैं और इस प्रकार के कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। अतः लोगों की मांग है कि अशोक गहलोत अपने पद से इस्तीफा दें और इनके सारे मंत्रियों के जिनके विधानसभा से हारे हैं उनको भी नैतिकता का कोई अधिकार नहीं है कि अपने पदों पर रहें और आवश्यक हो तो राजस्थान में पुनः चुनाव करवाएं। बोलो, नहीं चला 72,000 भारी पड़ा चौकीदार, जो अपने ये लोग गरीबों को रिंझा रहे थे और जो ऐसी बातें कर रहे थे वो सब फेल हो गई और राष्ट्रवाद की जीत हुई है। और जो आज के युग के अंदर अपन देख रहे हैं कि मात्र 4 महीने इनको हुए राज्य में आए गए और इतने ज्यादा बलात्कार के केस हो रहे हैं, जो अलवर में हुए हैं, अजमेर के अंदर भी हुए हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और इनकी जो स्थिति देख रहे हैं वो प्रत्येक हमारा जो नागरिक है राज्य का वो देख रहे हैं इनकी स्थिति कैसे है। और आज अभी जो जीत हुई है राष्ट्रवाद की हुई है, राष्ट्र की नीतियों की हुई है, किसी भी जाति पाति की जीत नहीं हुई है, सब एक साथ हैं। और इन्होंने बता दिया, पूरी देश की जनता ने बता दिया, वंशवाद खत्म करना चाहिए, वंशवाद की कोई जीत नहीं है, कोई वंशवाद को नहीं चाहता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वंश को खड़ा किया था उसकी हालत क्या हुई आप और हम सब जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन है कि अभी पहले तो आप प्रदेश को तो संभाल लें, उसमें क्या स्थिति हो रही है वो देखिए। मेरा पुनः निवेदन है कि आप उस तरफ ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी ये सीट भी कहीं चली नहीं जाए।